हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ मासिक करंट अफेयर। पिछले 2 महीने के करंट अफेयर को जो है दोस्तों एग्रीगेट करके एमसी केस के रूप में जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ तीर अंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कौन है दोस्तों? कैलाश मुरारका जी जो हैं ये छत्तीसगढ़ तीर अंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में उड़ान योजना के तहत कौन कौन से मार्गों का आवंटन हुआ है? तो कौन कौन से मार्ग हैं दोस्तों? रायपुर से राउरकेला, झारसुगड़ा और हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किन 2 विमानन कंपनियों को नए मार्गों का आवंटन किया गया है? तो कौन सी विमानन कंपनियाँ दोस्तों? एक है आपका एलायंस इंडिया जो कि एयर इंडिया के अंतर्गत है, और दूसरा है टर्बो एविएशन जो कि एक निजी कंपनी है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, स्वगुणोत्सव अभियान किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? स्कूलों के सर्वे से संबंधित है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है दोस्तों ये करवाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरसौर नहर विवाद कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर है दोस्तों? ये रायगढ़ जिले में जो है दोस्तों पुरसौर नहर विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग में नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें बनाया गया दोस्तों अब इनका सचिव? कमलप्रीत सिंह जी को जो है इनका सचिव बनाया गया है। और अभी 2-4 दिन पहले ही जो है छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता विभाग में विशेष सचिव जो है दोस्तों एलेक्स पाल मेनन जी को भी बनाया गया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, प्राचीन ऐतिहासिक प्राचीन टीले तथा पूर्वमुखी बैठक स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ हुए दोस्तों? जमराव रायपुर में, और साथ ही साथ रीवा गांव आरंग रायपुर में ये प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सामुदायिक पुलिसिंग हेतु शहरी क्षेत्र में किस तंत्र का विकास किया गया है? ठीक है, तो आपका सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था शहरी क्षेत्र में किस तंत्र के नाम से जो है विकसित की गई दोस्तों? तो क्या है? पुलिस जन मित्र योजना। ठीक है, पुलिस जन मित्र योजना के नाम से जो है ये सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है। इसी तरह दोस्तों गाँव के लिए क्या किया गया है? गाँव के लिए ग्राम रक्षा समिति का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, स्वास्थ्य पोषण सुधार में वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा जिला रहा दोस्तों? कोंडा गांव जिला जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान पर रहा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिदर्श यानी कि NSSO के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है दोस्तों? 3.3% ये दर है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सीमेंट उत्पादन में देश में किस क्रम पर पहुंच गया है? तो किस क्रम पे पहुंच गया दोस्तों? 6वें क्रम पे जो है छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रायपुर एयरपोर्ट में यात्रियों की संख्या वर्ष 2018-19 में कितनी पहुंच गई? तो कितनी तक पहुंच गई दोस्तों? 20 लाख के आसपास जो है ये यात्रियों की संख्या पहुंच गई, जो कि खुद में एक रिकॉर्ड बन गया है। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस कृषि वैज्ञानिक को भारतीय रोग विज्ञान समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया है दोस्तों? श्री MP ठाकुर जी को जो है ये भारतीय रोग विज्ञान समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो कितने चरणों में हुआ था दोस्तों? 3 चरणों में जो है लोकसभा चुनाव संपन्न किया गया था छत्तीसगढ़ में। पहला जो था 11 अप्रैल को बस्तर में हुआ था, उसके बाद 18 अप्रैल को द्वितीय चरण का कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद जिले में किया गया था, और इसके बाद जो है दोस्तों 23 अप्रैल को रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा जिले में जो है ये चुनाव संपन्न करवाया गया था। ठीक, चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? श्री विजय बघेल जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मतदान
किस जिले में संपन्न हुआ, तो किस जिले में हुआ दोस्तों, रायगढ़ जिले में जो है 77.70% मतदान, सर्वाधिक मतदान जो है यहाँ पे संपन्न हुआ। और सबसे कम मतदान कहाँ हुआ था, बिलासपुर जिले में हुआ था दोस्तों, लगभग 64% के आसपास हुआ था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव में सबसे छोटा मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया था, तो सबसे छोटा मतदान केंद्र कहाँ था दोस्तों, सैरा डांड कोरिया जिले में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे सबसे छोटा मतदान केंद्र बनाया गया था जो कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव में कितने ऐपों, माफ कीजिएगा, कितने ऐप जारी किए गए थे, ठीक है, तो कितने ऐप जारी किए गए थे दोस्तों लोकसभा चुनाव में, तो 3 ऐप जो हैं ये जारी किए गए थे, एक था आपका सी विजिल, दूसरा था सी टॉप्स और तीसरा क्या था PWD, ठीक ना। सी विजिल क्या था दोस्तों, आम नागरिकों के लिए था, यदि उनको कहीं लग रहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो कोई फोटो या फिर छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके इस पे वो शिकायत दर्ज करा सकते थे सी विजिल के द्वारा। सी टॉप्स क्या था दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव में लगे हुए कर्मचारी अधिकारी थे उनके लिए जो है सी टॉप्स ऐप जारी किया गया था। और PWD क्या था दोस्तों, ये विकलांग जो व्यक्ति थे, ऐसे मतदाता जो विकलांग हैं उनके लिए जो है PWD ऐप जो है जारी किया गया था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, तीसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ ई पंचायत पुरस्कार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों द्वारा लिए हुए क्षेत्रीय ग्रामीण और सार्वजनिक बैंकों से लिए हुए कर्ज को माफ किया है, ठीक है, इसकी कुल राशि कितनी है, तो कितनी राशि दोस्तों, कुल ऋण 1,175 करोड़, ठीक है ना, 1,175 करोड़ की राशि जो है ये सरकार माफ कर रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने परिवारों को राशन कार्ड आवंटित है, तो कितने परिवारों को है दोस्तों, 58 लाख परिवारों के पास जो है वर्तमान में राशन कार्ड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में कितने नए राशन कार्ड बनाने का अनुमोदन किया गया है, तो कितने किया गया दोस्तों, 7 लाख जो है नए राशन कार्ड और बनाए जाएंगे और इसके बाद इसकी कुल संख्या 65 लाख हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अब किस कक्षा से किस कक्षा के बच्चों को भी निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, तो कौन सी क्लास है दोस्तों, 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा में भी अब निःशुल्क पुस्तक दिया जाएगा, अभी तक पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक जो है सरकारी स्कूल में पुस्तकें जो है मुफ्त मिलती थी, अब जो है 9वीं से 12वीं तक, यानी पहली से टोटल 12वीं तक जो है अब समझ जाइए मुफ्त पुस्तकें मिलेंगी। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला विद्युत कटौती मुक्त वाला जिला बन गया है, ठीक है, तो विद्युत कटौती मुक्ति वाला जिला कौन सा जिला बना है दोस्तों, कबीरधाम जिला जो है वो ये गौरव हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्राचीन हाथी दंत के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ग्राम रीवा रायपुर में जो है ये हाथी दंत प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नया हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया है दोस्तों, बिलासपुर जिले में जो है नया हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आर्थिक राशि कितनी बढ़ाई गई है, तो जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना होता है दोस्तों उसमें आर्थिक राशि कितनी बढ़ाई गई है, तो कितनी बढ़ाई गई है, 25,000 रुपये जो है अब दिए जा रहे हैं, यानी कि 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, पहले 15,000 रुपये दिया जाता था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, नवी इंडिया हॉकी राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई, तो कहाँ की गई दोस्तों, बिलासपुर में जो है ये आयोजित की गई थी जहाँ पे नया हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण किया गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस महिला को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किन्हें किया गया दोस्तों, कुमारी चमन भारती बंजारे को जो है किया गया जो कि बलौदा बाजार से संबंधित हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाले शीर्ष कितने राज्यों में शामिल हुआ है, तो कितने राज्यों में हुआ दोस्तों, 5 राज्यों में ये शामिल हुआ है, कुल
कुल अंक इसका कितना है, 53.36 अंकों के साथ जो है ये शामिल हुआ है और पांचवें क्रम पे ही है। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। नेशनल हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो नेशनल हेल्थ इंडेक्स में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान पे जो है छत्तीसगढ़ नेशनल हेल्थ इंडेक्स में अपना स्थान बना रखा है। और अगर जो है वार्षिक की बात करते हैं कि वार्षिकी जो इसकी वृद्धि हुई है उसके हिसाब से ये 11वें स्थान पे है 1.34 अंकों के साथ। और प्रथम स्थान पे कौन है दोस्तों? ओवरऑल केरल जो है प्रथम स्थान पर है स्वास्थ्य के मामले में। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु की जांच हेतु कौन सी समिति बनाई गई? तो कौन सी समिति बनाई गई दोस्तों? सतीश कुमार अग्निहोत्री समिति का निर्माण किया गया या गठन किया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में किन्हें 13वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया दोस्तों? पी आर रामचंद्र मेनन जी को जो है 13वें क्रम का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बस्तर बैंड के संस्थापक जिन्हें 2019 में पद्मश्री मिला, तो किन्हें मिला दोस्तों? अनूप रंजन जी को जो है पद्मश्री 2019 में मिला, ये बस्तर बैंड के संस्थापक थे। ठीक है, और पद्म विभूषण किन्हें मिला दोस्तों? तीजन बाई को। ठीक है ना, श्रीमती तीजन बाई को उनके कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की नक्सल हमले में कब मृत्यु हुई? तो कब हुई दोस्तों? 9 अप्रैल 2019 को श्यामागिरी दंतेवाड़ा में ये दुखद घटना घटी थी। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो किन्हें किया गया दोस्तों? श्री जितेंद्र सिंह को जो है इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ठीक है, जितेंद्र सिंह को जो है ये पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लीची की खेती कहाँ पे की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है दोस्तों? अंबिकापुर सरगुजा जिला में जो है ये लीची की खेती की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय की खेती, केसर की तथा रेड चावल की खेती छत्तीसगढ़ के किस जिले में की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है दोस्तों? बस्तर जिले में की जा रही है, मैंने इसको आपको अच्छे से बताया भी था। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के कौन से सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है? तो किन्हें किया गया दोस्तों? रेणुका सिंह जी को जो है शामिल किया गया है और इन्हें आदिवासी मामले का मंत्रालय दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के राज्य महाधिवक्ता किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें बनाया गया दोस्तों? सतीश चंद्र जी को जो है राज्य महाधिवक्ता बनाया गया है। इसके पूर्व कौन थे? कनक तिवारी जी थे। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई थी जो कि 2 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई थी रेलगाड़ी की। तो क्या नाम से चलाई थी? एना कोंडा के नाम से इसको चलाया गया था और ये कोरबा से भिलाई के दरमियान चली थी। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर नए कागज का कारखाना खोलने की घोषणा की गई है? तो कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? भोपाल पट्टनम में जो है ये कारखाना खोला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। NSSO के सर्वे में बेरोजगारी दर में रायपुर का स्थान कौन से क्रम का है? तो कौन से क्रम का है दोस्तों? 14वें नंबर पे रायपुर का जो है स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कॉफी की खेती कहाँ की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है दोस्तों? बस्तर में जो है कॉफी की खेती की जा रही है, दरभा घाटी में ये कॉफी लगाया जाएगा। ठीक है, मैंने वीकली करेंट अफेयर में इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि क्या कारण है जो वहाँ पे कॉफ़ी के लिए अनुकूल है वातावरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में यूरेनियम का भंडार कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? यूरेनियम भंडार ग्राम अंजनी में प्राप्त हुआ है जो कि प्रतापपुर ब्लॉक सूरजपुर जिले में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों राजनांदगांव और सूरजपुर में भी जो है इसके निक्षेप या डिपॉजिट प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राप्त यूरेनियम के भंडार के खनन की जिम्मेदारी किन्हें दी गई है? तो किन्हें दी गई है दोस्तों? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है इसका खनन किया जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र के नए सीईओ किन्हें बनाया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, अनिरिबन दास गुप्ता जी को जो है भिलाई इस्पात संयंत्र का या बीएसपी का सीईओ बनाया गया है। साथ में गुप्ता जी जो हैं ये दुर्गापुर स्टील प्लांट और इसको स्टील प्लांट के भी सीईओ हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, खुमान लाओ साव जी का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किस क्षेत्र से थे दोस्तों, संगीत और नाट्य के क्षेत्र से, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कला के क्षेत्र से संबंधित महान व्यक्तित्व थे। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, खुमान लाल साव का किस संस्था से संबंधित थे? तो खुमान लाल साव जी जो है किस संस्था से संबंधित थे, तो चंदेनी गोंदा से जो है ये संबंधित थे। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, बस्तर में आदिवासियों द्वारा किस पहाड़ पर खुदाई का विरोध किया जा रहा है? तो कौन सी पहाड़ है दोस्तों, नंदराज पहाड़ बैलाडीला में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे लौह अयस्क हेतु खनन करना है एनएमडीसी को, जिसका विरोध जो है यहाँ के स्थानीय आदिवासी कर रहे हैं, जिसे ये देवता तुल्य मानते हैं। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 85 किलो में भारत को स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो किन्होंने दिलाया दोस्तों, श्रीमन झा जो हैं इन्होंने जो ये खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता अंडर 19 में 45 किलोग्राम में शामिल कौन रही? तो कौन रही दोस्तों, ममता प्रजापति जो हैं ये शामिल रही हैं, और इन्होंने भी दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है इसमें स्वर्ण पदक दिलाया है, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। ठीक है, और ये गेम तो इंटरनेशनल था, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है ममता प्रजापति, और स्वर्ण पदक दिलाया है इन्होंने। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ की किस महिला ने मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लिया? तो किन्होंने लिया दोस्तों, पारुल जैन जो है राजनांदगांव की, इन्होंने जो है भाग लिया और प्रतियोगिता जीती भी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार किस क्षेत्र के उपयोग हेतु दिया गया? तो किस क्षेत्र के लिए दिया गया दोस्तों, आईसीटी का उपयोग जो है इन्होंने किया था, प्रशासन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के चलते जो है इनको जो है ई पंचायत का पुरस्कार प्राप्त हुआ, और देश में तीसरा स्थान जो है इनको मिला। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का मासिक एमसीक्यूएस, जो दोस्तों जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 2 महीने को करंट अफेयर जो है इसमें कवर किया गया है, और इसके जो वीकली करंट अफेयर हैं ये भी जो है आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसका एग्रीगेट करके जो है एमसीक्यूएस जो है इसमें बनाया गया है, ताकि आप जो है आसानी से इसको विजुअली देख सकें। और इसका ऑडियो फॉर्मेट अगर सुनना है दोस्तों, तो आप जो है खबरी ऐप में जाके भी वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी जो है पोस्ट किया जा चुका है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।